हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मेरे पिंक ड्रेस की इस वाली पिक्चर के बाद मैंने बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस रीड करे कि कैसे आप बहुत जल्दी अपनी स्वेलिंग खत्म कर लेते हो, वेट लॉस कर लेते हो एंड कभी कभार आप बहुत ज़्यादा स्वेल्ड दिखते हो और फिर एकदम से लीन दिखते हो। इन सब के पीछे रीज़न क्या है, किस तरीके से ये चीज़ें बैलेंस होती है, मैनेज होती है। नाउ आज की वीडियो में हम लेके आए हैं फास्ट वेट लॉस की डाइट, जिससे आप क्विक एंड फास्ट अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बट क्या हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए रेडी है? नाउ फॉर एग्जांपल, कौन कौन लोग फास्ट वेट लॉस कर सकते हैं, कौन कौन लोग फास्ट वेट लॉस नहीं कर सकते, बहुत ही क्विक वेट लॉस कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते। नाउ मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे 7 ईयर्स के करियर में मैंने बहुत सारी ऐसे फीमेल्स देखे हैं, मेरा जो फ़ोन है जो बहुत टाइम से मैं नंबर यूज़ कर रही हूँ, जो कुछ फीमेल्स हैं जो 6 साल पहले सेम वेट पे थी, 90, 91, 100, उनको बीच बीच में ना पैनिक अटैक्स आते हैं। लेट्स डू इट, अब कर लेंगे, अब जल्दी से जल्दी वेट लॉस करेंगे, हम आज ही वेट लॉस कर लेंगे, हम विद इन 10 डेज वेट लॉस कर लेंगे। इस तरीके के जो हमारे विचार आते हैं, इसको हम कहते हैं पैनिक अटैक्स। मतलब आप हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ नहीं करोगे, आप क्विक वेट लॉस पे जाना चाहते हो और वो एक टेम्परेरी फीलिंग है जो कि आएगी और चली जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है, जब हमारी बॉडी रेडी होगी फास्ट वेट लॉस के लिए, हम तभी करेंगे। और जब आपको इतना ज्ञान होगा कि फास्ट वेट लॉस के बाद आप उसको मेंटेन कैसे करोगे, तभी हम फास्ट वेट लॉस पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे कुछ इवेंट्स होते हैं, मैं जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क ज़्यादा स्लीप नहीं ले पाती, मुझे भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा रहती है, मुझे फैमिली भी वहाँ पर मैनेज करनी है एंड मुझे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो भागा दौड़ी एंड सब चीज़ों के चक्कर में आप क्या होता है कि नींद डिस्टर्ब होती है और कभी कभार बॉडी जो है वो ब्लोट कर जाती है, स्वेल कर जाती है एंड कभी कभार मेरा वेट जो होता है 3-4-5 किलो तक गेन हो जाता है। अब मुझे कोई इवेंट अटेंड करना होता है तो मैं एक डाइट पिक करती हूँ जिसकी हेल्प से मेरा क्विक वेट लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, विद इन अ वीक मैं 4-5 kgs लूज कर लेती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ वो ब्लोटिंग है और वाटर रिटेंशन है, तो वो क्विक वेट लॉस हो जाता है। अगर मुझे बहुत बड़ा इवेंट अटेंड करना होता है तो मैं 10 या 15 दिन की कोई एक डाइट पिक करती हूँ, जो डाइट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से मेरा बहुत तेज़ी का और बहुत एन नंबर ऑफ वेट लॉस आराम से हो जाता है। बट मुझे इतना है कि उसके बाद मैं उसको मेंटेन कैसे करती हूँ। आपको अगर फास्ट वेट लॉस चाहिए, सबसे पहले आपको स्ट्रेस को बिल्कुल बाय बाय करना है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छे होने चाहिए। जब मैं इस तरीके की डाइट ऑप्ट करती हूँ, आई मेक श्योर कि मेरा 7 से 8 घंटे का नींद बैलेंस होना ही होना चाहिए, तभी ये डाइट आप पे वर्क करेगी। अदरवाइज आपकी जो बॉडी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगी एंड आपको और ज़्यादा भूख लगेगी एंड आप बिल्कुल डाइट बीच में क्विट कर दोगे या फिर आपका बीपी भी लो हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप वर्किंग हो और आपका भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा है, आप बिल्कुल एग्जॉस्ट रहते हो और आपको रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता, आप ये डाइट नहीं करेंगे। आप शुगर के पेशेंट हैं, आप तभी ये डाइट नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपका शुगर लेवल डिप हो सकता है। इसमें कार्ब्स थोड़े कम हैं बट इसमें जो प्रोटीन है इस डाइट के अंदर वो अच्छे अमाउंट में मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो डाइट है, करने से पहले मेक श्योर आपके 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले ब्लड टेस्ट होने चाहिए। अगर आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की डेफिशिएंसीज है, आपका एचबी लेवल लो है, आपका विटामिन D3 कम है, आयरन कम है, फेरिटिन कम है, आपका थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तब भी आप ये डाइट नहीं करेंगे। अगर आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तभी आप जाके ये वाला डाइट पिक कर सकते हैं एंड करेंगे। इस डाइट को ख़त्म होने के बाद अगर आप एकदम से जंप करते हो खाने पे कि आ जाओ जी अब चावल भी आने दो, रोटी भी आने दो, दबा के अब अनबैलेंस तरीके से मील्स को अपनी लेते हो, तब आपका वो वेट जो है वो बाउंस बैक करेगा। ये जो डाइट करेंगे, मेक श्योर आप अपनी बॉडी को बिल्कुल एग्जॉस्ट नहीं होने देंगे। आपका स्लीप पैटर्न, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके फूड के टाइमिंग्स, आपका वाटर का इंटेक 3 से 4 लीटर का रहेगा ही रहेगा। ये जो डाइट है बहुत ही सिंपल है, जिस किसी को चाहिए कि क्विक वेट लॉस चाहिए बट उससे पहले अपना ब्लड वर्क करेंगे, आपकी बॉडी अगर रेडी है इस चीज़ के लिए हम तभी करेंगे और उसके बाद भी धीरे धीरे खाना स्टार्ट करेंगे। सो ये डाइट कैसी है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, स्टार्ट करते हैं विद द मॉर्निंग ड्रिंक एंड मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के लिए हम चलते हैं किचन में। अब हम बनाने जा रहे हैं फैट कटर ड्रिंक। सो मॉर्निंग के फैट कटर ड्रिंक के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर। सो भुना हुआ जीरा और धनिया को मैंने भून रखा है एंड उसका पाउडर जो मिक्स करके मैंने इसके अंदर डाला है। नेक्स्ट, इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा 1/2 स्पून ऑफ ग्रेटेड जिंजर। नेक्स्ट, इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे लेमन। एनी गरम पानी है, हल्का गरम, इसको मिक्स करेंगे एंड हियर वी गो, मॉर्निंग ड्रिंक। वेलकम बैक जी। सो मॉर्निंग ड्रिंक का टाइमिंग्स हमारे रहेंगे 7:30 से 8:30 बजे के बीच में, उससे लेट हम मॉर्निंग ड्रिंक नहीं करेंगे।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए. ना ब्रेकफास्ट के अंदर ना मैं यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ दलिया, मिलेट्स, ओट्स की खिचड़ी, साबुदाना की खिचड़ी, या फिर आपकी किनुआ की खिचड़ी, या फिर एनी टाइप ऑफ खिचड़ी. हमारे पास ब्लैक चना की खिचड़ी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, वाइट चना की खिचड़ी डाली हुई है, राजमा राइस डाले हुए हैं. इन सब की वीडियोज़ के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अभी हम बनाएंगे वेजिटेबल बार्ले का दलिया और वो बहुत ही सिंपल है बनाना. उसकी रेसिपी क्या है चलते किचन में. हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट. ना ब्रेकफास्ट के लिए हम बनाएंगे दलिया. अब यहाँ पे है मेरे पास बार्ले का दलिया. आप बार्ले का दलिया यूज़ कर सकते हैं, मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप किनुआ यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीग्रेन दलिया यूज़ कर सकते हैं, बट होल व्हीट दलिया हम यूज़ नहीं करेंगे. किसी भी टाइप का कोई भी मिलेट्स आप यूज़ करेंगे, या फिर किनुआ हो गया, बार्ले दलिया हो गया, मल्टीग्रेन दलिया हो गया, आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर. नाउ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आपके पास कोई सी भी सीजनल वेजीज हों, जैसे मेरे पास यहाँ पे बीन्स पड़ी हुई हैं, शिमला मिर्ची है, प्याज है, अदरक है, इन सबको मैं फटाफट बनाऊँगी. सो सबसे सिंपल चीज़ क्या है, इन सबको मैंने डाला मेरे चॉपर में अदरक के साथ. इन सबको फटाफट मैंने चॉप कर लिया. विदिन 2 to 3 minutes के अंदर मेरा ये सब्जी कट गई. किसी भी टाइप का आप चॉपर ले सकते हो. अगर आपको कुकिंग में प्रॉब्लम है, आप जल्दी जल्दी क्विक कुक नहीं कर सकते, आपको चॉपिंग में प्रॉब्लम आती है. एंड ये रही मेरी सब्जियाँ रेडी. अब फटाफट हम बनाएंगे दलिया. ओके सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मेरे पास है कुकर. इसके अंदर मैंने डाल दिया ऑयल थोड़ा सा. ओके नेक्स्ट इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगी मेरा जीरा. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे करी पत्ता. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी सब्जियां. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी आधी कटोरी जितना दलिया. अब एक आधी कटोरी मैंने दलिया डाला है, हम पूरी डेढ़ कटोरी जितना पानी इसमें डाल देंगे. परफेक्ट. अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, हल्दी, अच्छे से हम मिक्स करते हैं. और अब हम इसे विसल लगाएंगे, 3 whistles, दो एक तेज आंच पे, 2 sim आंच पे. सो ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है. एंड साथ में हम थोड़े से प्याज. एंड हैव इट. ब्रेकफास्ट इज रेडी. इफ यू वांट आप इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डाल सकते हैं, थोड़ा सा. वेलकम बैक. सो ब्रेकफास्ट का जो हमारे टाइमिंग्स होंगे वो होंगे 9, 9:30 बजे से पहले. अब वो आपके ऊपर है आप कितने बजे कर लेते हो. बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो कि नाश्ता करते 10:30, 11, 12, या फिर आपका जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप ही होता है. आप ऑफिस जाके सीधा अपनी कॉफ़ी ही पीते हो, या फिर घर पे ही आप सीधा ब्रंच करते हो. जो इस तरीके की लाइफस्टाइल रखते हैं मेक श्योर आपका कोई वेट लॉस नहीं होगा, आपकी बॉडी में स्वेलिंग भी आएगी, ब्लोट भी करेगा, एंड उसके साथ साथ एसिडिटी भी बनेगी. सो ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एंड वो करना ही करना है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की. नॉर्मल मिड ब्रेकफास्ट में हमें क्या क्या चाहिए चलते किचन में. बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की. नॉर्मल मिड ब्रेकफास्ट के अंदर आप किसी भी टाइप का लड्डू ले सकते हैं जो कि मेरे चैनल पे रेसिपीज हैं. उनमें से ब्लैक तिल का लड्डू है, बेसन है, कोकोनट का लड्डू है, बेसन का लड्डू है, आपके हलीम सीड्स का लड्डू है, एनी लड्डू एज पर योर कम्फर्टेबल लेवल. आप जो भी बना सकते हो उसको स्टोर करके रखेंगे. आप हर वीक अलग अलग लड्डूज भी यूज कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर. उसके साथ हम लेंगे कोई भी फ्लेवर टी. ना ये है मेरे पास लेमन ग्रास टी, ये है मेरे पास रोजमेरी की टी. हम इनमें से कोई भी टीज ले सकते हैं, या फिर आपके पास नॉर्मल अगर ग्रीन टी पड़ी आप वो भी ले सकते हैं. तुलसी के पत्ते आप उबाल सकते हैं. सो ये वाली टीज हमने ऐड करनी है अपनी मिड ब्रेकफास्ट के अंदर. मिड ब्रेकफास्ट के अंदर आप किसी भी इस टी के साथ आप कोई भी लड्डू ले सकते हैं. मेरे चैनल पे बतेरे लड्डूज की रेसिपी है, वो सारी रेसिपीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाई प्रोटीन सैलेड की, एंड वो है हमारा लंच. नाउ लंच के अंदर मैं यहाँ पे आपको दूंगी सोया ओट्स एंड पनीर का सैलेड. सोया चंक बहुत ही यम्मी है,
सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियन लोगों के लिए, और इसको खाने के बाद तो आपको एनर्जी बरकरार रहेगी। एंड अगर आप चाहते हो वॉक वगैरह पे जाना 30 मिनट्स के लिए, तो आप जा भी सकते हो। सो ये रेसिपी कैसी और कैसे बननी है, चलते हैं किचन में। ओके, सो हमें हाई प्रोटीन सैलड बनाने के लिए चाहिए यहाँ पे सोक की हुई हमारी सोयाबीन की बड़ियाँ। ओके, थोड़े से मैंने यहाँ पे लिए हैं रोल्ड ओट्स 2 चम्मच, 60 or 70 grams ऑफ पनीर, घर का बना पनीर है ये, एंड आप टोफू भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हमें सोयाबीन से सारा वाटर जो है वो निकाल लेना है। ये मुट्ठी भर सोयाबीन है मेरे पास। ओके, सबसे पहले पैन में हम लेंगे ऑयल, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा हमारा रेडी है, नेक्स्ट इसमें मैं डालूंगी प्याज। ओके जी, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे टमाटर, 1 टमाटर। ओके, नेक्स्ट इसके में हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे भुना हुआ धनिया का पाउडर, खूब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी, इन सबको हम अच्छे से पकने देंगे मसालों को। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा सोयाबीन, नेक्स्ट मेरे ओट्स, बहुत अच्छे से इसको हम पकने देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और, आधी कटोरी जितना पानी, परफेक्ट। इसको अब हम कवर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल रहे हैं हमारा पनीर। अब गैस कर दिया बंद। इट्स रेडी। ओके, थोड़ा सा लेमन जूस एंड हियर वी गो, लंच इज रेडी। आपका जो लंच है वो 2:30 बजे से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। जो 3:30-4 बजे लंच करेंगे उनका वेट लॉस नहीं होगा और मील्स में गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लंच में ये नहीं लेना है, आपको सोया चंक नहीं पसंद, आप नहीं लेना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चैनल पे बतेरी कटलेट्स की रेसिपी है, बतेरी हाई प्रोटीन टिक्कीज की रेसिपी है, फलाफल टिक्की मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, राजमा की टिक्की डाल रखी है, वेजिटेबल ओट्स टिक्कीज डाल रखी है, मेरे यहाँ पे साबूदाना के कटलेट्स हैं, आप इनमें से कोई भी टिक्कीज पिक कर सकते हो, 2 से 4 विद मिंट का चटनी, होममेड, and it's good to go. Next, अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी की जितनी भी टीज मैं यहाँ पे बताती हूँ, बीट वो पील टी हो, इंच लॉस टी हो, वो सब आपके बेली पे काम करते हैं एंड आपके इंच लॉस पे हेल्प करते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड ये आपके मेटाबॉलिक रेट को भी अच्छा करते हैं। सो हम यहाँ पे बनाएंगे हमारा ग्रीन टी इंचेस लॉस विद मौसम्बी, वो कैसे बनाना है चलते किचन में। ओके, नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं इवनिंग की इंच लॉस टी। इसके लिए सबसे पहले मैंने डाले हैं 2 मौसम्बी के स्लाइसेस। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी ग्रीन टी 1/2 स्पून, मेरे पास है ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी ग्रीन टी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी मेरे पुदीने के पत्ते, ये अभी छोटे छोटे बेबी पुदीना है मेरे पास पीछे गार्डन में। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पर पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। सो ये जो टी है ये रेडी हो गई है। नाउ इवनिंग टी के टाइम पे हमारे पास होना चाहिए टी के साथ कोई भी एक फ्रूट, सीजनल, बट मेक श्योर उसके बाद विटामिन सी आप डेफिनेटली ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास मौसम्बी है, सो मैंने मौसम्बी ऐड करा है। पाइनएप्पल बेस्ट ऑप्शन है, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, एंड अगर मौसम्बी नहीं मिल रहा तो ऑरेंज ले सकते हैं, माल्टा ले सकते हैं, साथ में कोई भी एक और सीजनल फ्रूट। यहाँ पे मेरे पास अमरूद है एंड हम लोगों ने तो पेड़ से तोड़ा है, आप अगर मार्केट में नहीं मिल रहा आप एप्पल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ले ली हमने टी एंड दिस इंच लॉस टी इज रेडी। वेलकम बैक। अब ये जो इवनिंग टी की बात होती है, कुछ कुछ लोग होते हैं कि 7:30 बजे ले लेंगे, 8 बजे ले लेंगे, ऐसा कतई नहीं चलेगा। आपकी इवनिंग टी के जो टाइमिंग्स होंगे वो 4:30 से 5:30 बजे के बीच में होंगे, तभी जाके आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा आपका वेट लॉस होगा। अगर आपके मील्स में बहुत लंबे लंबे गैप्स आने लग जाएंगे,
पूरा का पूरा डाइट का बेड़ा कर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिनर की। नाउ डिनर में मैं यहाँ पे आपको दूंगी शीराज। बहुत सारे शीराज की रेसिपी है मेरे चैनल पे। ड्राई डेट्स का शीरा है, ड्राई फ्रूट्स का शीरा है, सूजी का शीरा है, बेसन का शीरा है। आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी मेरे रागी का शीरा की रेसिपी। जिन जिन लोगों को इस मौसम में कोल्ड कफ, कंजेशन, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, रात को कुछ भी खाने का मन नहीं है, कुछ भी गर्म सा मिल जाए इस वेदर में, सूप पीने का भी बिल्कुल मन नहीं है, सर्दी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, ऐसे लोगों के लिए शीरा सबसे बेस्ट है। और ये शीरा PCOD फ्रेंडली भी है क्योंकि इसमें मैंने डेयरी बिल्कुल नहीं ऐड करा है। सो ये शीरा कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। ओके, यहाँ पे हम बना रहे हैं रागी का शीरा। ये रहा 2 चम्मच जितना मैंने रागी लिया है। इसको खूब अच्छे से हम भूनेंगे बिना किसी घी के और बिना किसी ऑयल के। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम सिम आँच पे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। ओके, सो ये अच्छे से हमारा भून चुका है बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 गिलास जितना पानी। ये हमने डाल दिया था इसमें पानी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा सौंफ और इलायची का पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे आलमंड्स। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पर 1 चम्मच जितना जैगरी पाउडर। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा लिक्विडी ही रखेंगे, एक उबाला आते ही हम इसको बंद कर देंगे। एंड हियर वी गो, द शीरा इज रेडी। वेलकम बैक। सो ये था पूरा का पूरा हमारा डाइट। बट मेक श्योर कि जो डिनर का टाइमिंग है वो हमारा 6:30 से 7:30 बजे से पहले होना चाहिए। जो लोग डिनर करेंगे 9:30-11 बजे वो भूल जाए, उनका वेट लॉस होगा। अनदर पार्ट, हमारे डिनर का जो टाइमिंग होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकेस अगर आप मेंटेनेंस में भी हो। मेरे जितने भी मेंटेनेंस के मेंबर्स हैं वो सारे अपना डिनर खत्म कर लेते हैं 6:30 से 7:45 बजे तक। अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। सो नाइट ड्रिंक के अंदर यहाँ पे हम लेंगे त्रिफला का पाउडर। मार्केट में बहुत सारे त्रिफलास के पाउडर्स मिलते हैं। बेस्ट इस मुझे लगता है डाबर का या पतंजलि का, या फिर आप साबुत त्रिफला लेके भी उसको कूट के घर पे बना सकते हैं। वो भी मैं बनाती हूँ, मतलब साबुत ही लेके आती हूँ मैं त्रिफला। आप उसको हम मिक्स करेंगे 1/2 कप पानी में और लेंगे। ये पूरा डाइट है, बट आप मेक श्योर रखेंगे कि इस डाइट के अंदर आप बीच बीच में चीटिंग नहीं करेंगे। आपकी आउटिंग आती है, आपके ट्रैवल्स आते हैं, आप इस डाइट को मत करो। आप इस डाइट को तभी करो जब आप इसको 10 से 15 दिन लगातार दे पाओ। अगर आप इस डाइट को लगातार वो दिन नहीं दे पा रहे, बीच बीच में गैप करके कर रहे हो, आपका पूरा का पूरा बॉडी लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने डाइट करी छोड़ी, डाइट करी छोड़ी, बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, बॉडी इट्सेल्फ हमारी रेडी होती है वेट लॉस के लिए। बट अगर आप उसको हल्का सा भी झटका दे दोगे कि नहीं अभी हम खा रहे हैं, अभी हम फिर से ब्रेक ले रहे हैं, आपका पूरा का पूरा सिचुएशन वापस बैक हो जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। एंड जिन जिन लोगों को फास्ट वेट लॉस करना है, मेक श्योर आप अपने ब्लड वर्क पहले कराएंगे और उसके बाद ही इस डाइट पे जाएंगे। सो या दैट्स इट, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।